सब कुछ फिर से पैक हो गया है और हम लोग निकल रहे हैं अभी दूसरे होटल में, वो भी साउथ गोवा में ही है। बस अभी लगेजेस नीचे पहुंचा दिए, हम लोग को जाना है, हमारी कैब आ गई है। लास्ट चेक करने कुछ भूला तो नहीं ना? सब देख लिया मैंने, बेड से लेकर बाथरूम तक सब कुछ देख लिया। कुछ मिला मुझे तो? मिला तो रख ले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तू गोवा आई तब से ये सूर में क्यों चैनल कर रही है? तेरा चैनल सूर में है लगता है। तो हम लोग जो बोट राइड पे गए थे, जो कल वाले व्लॉग में आप लोग ने देखा, तो उसमें जो इतना सी ब्रीज आ रहा था ना कि मुझे सर्दी हो गई थोड़ी सी। बस ठीक हो जाए, नहीं तो मेरा हर ट्रिप में हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। मुझे सर्दी नहीं चाहिए, मुझे राजस्थान में तो कुछ नहीं हुआ था। एंड फाइनल गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल कॉटेज और ये ब्यूटीफुल व्यू। वैसे तो हम लोग नेक्स्ट जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे बीच व्यू है क्या, मुझे आइडिया नहीं अब तक, तो वहाँ पे जाके चेक करेंगे। बट ये व्यू बहुत मिस करूंगा मैं, हम लोग के रूम से सीधा बीच दिखता था यार, क्या सही लगता है। चलो फाइनली कैब में आ गए, अभी 30 मिनट्स लगेगा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। बस तब तक सही सलामत रहे हाँ, क्योंकि ले आज सुबह सुबह एकदम डिजी हो रहा था, बोट राइड करके आए तब से, 30 मिनट्स और निकालना है कार में। कुछ हो ना, बैठ जाता है। नहीं ठीक है, आगे पीछे मेरे को दोनों साइड होता है, बस जब तक मैं चलाऊ नहीं। तो हमारा शैम्पू खत्म हो गया था और टूथपेस्ट भी खत्म हो गया था, एक जनरल स्टोर पे अभी रुके हैं। नीलम गई है शैम्पू और कंडीशनर लाने के लिए और टूथपेस्ट भी। शैम्पू कंडीशनर। पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, हमारा जो होटल है वो माउंटेन पे है, तो हम लोग ऊपर है और नीचे बीच है पूरा, और क्या सही व्यू है यार। मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, तुम लोगों को लग रहा होगा कितना ओवर कर रहे हैं यार ये लोग, क्या दिखा रहे हैं इतना ओवर। अगर खुद के आंखों से देखोगे ना तो पता चलेगा। आई कैन मतलब मैं रो दूंगी, ये इतनी अच्छी व्यू है, ओ माय गॉड, इतना साफ पानी। और पहले तो हम लोग को लग रहा था कि नहीं हम लोग नहीं है गोवा में, तो नहीं हम लोग बाली या दो दिन तो ऐसे ही लगा था मुझे, अभी तो यकीन हो गया कि नहीं है, पक्का यकीन हो गया मुझे। तुमको बताती हूँ, लिटरली वो अंदर का मिट्टी दिख रहा है उसमें, इतना क्लीन पानी है यहाँ पे साउथ गोवा में। यस, यहाँ पे और 4-5 दिन का स्टे एक्सटेंड कर लेते हैं, मेरे को घर नहीं जाना, यहाँ पे घर बना देना, स्टूडियो डाल दे, मस्त प्लान है। तो हमारे रूम को थोड़ा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगेगा रेडी होने के लिए। तब तक हम लोग ने जूस पी लिया और चीज केक भी खाया, लाइम चीज केक फर्स्ट टाइम खाया मैंने, बहुत अच्छा था। अभी फिलहाल थोड़ा फोटोज निकालेंगे, फिर फ्री हो जाएगी ना, तब जब तक रूम रेडी हो जाएगा हमारा। अभी हम लोग होटल के ऊपर की तरफ आए, यहाँ पे एंट्रेंस है और यहाँ पे ऐसा क्लिफ जैसा है, नीचे कुछ नहीं है, नीचे गिर गया तो नहीं, मेरे पैर वैसे थर थर रहे, तू वहाँ खड़ा है और इधर यहाँ से व्यू बहुत सही आता है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फोटो निकाले थे, यहाँ पे खड़े हमेशा की तरह हम लोग लास्ट टाइम की लेके आ गए। मुझे लगा हमेशा की तरह तू भूल गया, लास्ट टाइम तो तू भूली थी, एक बार अपन पूजा की शादी में गए थे तो मैं मेरे घर पे चाबी लेके आ गई थी। अभी वो लास्ट वाले रूम की चाबी मेरे जेब में थी, तो वो वहाँ के मैनेजर का मुझे कॉल आया कि चाबी रह गई क्या आपके पास, मैं ला रहे हाँ, तो मैंने यहाँ पे दे दिए, सबमिट कर दिए, ये अभी वहाँ पे पहुँचा देंगे। लास्ट टाइम भी ऐसे ही कुछ हुआ था, नीलम को बोला था मैं चाबी दे देना, हाँ देती हूँ ना, जाते टाइम देती हूँ ना, फिर घर पे लेके गई चाबी। हाँ, अभी तू लेके आया वो, तेरी कंप्लेंट करूँ? मैंने की ना, मेरी खुद की कंप्लेंट। अभी कुछ खाने के लिए मंगाया हम लोग ने, लंच तो नहीं कर रहे अभी, थोड़े टाइम में करेंगे क्योंकि रूम रेडी होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसके पहले कुछ खा लेते ना। ये बार सच में बहुत मजा आ रहा है यार मुझे गोवा में, कुछ नहीं करके मजा आ रहा है सच में, मतलब वो अलग फील हो रहा है ना कि ऐसा लग नहीं रहा है गोवा में है, इसीलिए ऐसा अलग लग रहा है। तो हमारा रूम रेडी हो गया, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, जंगल से जाना पड़ता है। हमारा रूम रेडी हो गया है, मजा आ रहा है, क्या ये, मैं आपको बताता हूँ पूरा रूम टूर, फिर आप समझ जाओगे कि इतना एक्साइटेड क्यों है हम लोग। तो यहाँ से चल के आना है और ये हमारा रूम का डोर है, इसके बाद ये सुंदर सा व्यू, छोटा डाइनिंग टेबल भी है यहाँ पे और जकूजी भी है। बस जकूजी में जब जाना होगा एक घंटा पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि सब वो तैयारी कर ले। फिर ये रूम, तो गाइस हम लोग यहाँ पे 2 दिन रहने वाले, इट्स द केप गोवा, जो हम लोग एगोंडा बीच पे थे वहाँ से ओनली 30 मिनट्स की दूर पर है, और हमारे रूम का नाम है द ओशन एज
स्वीट। मैंने तो सोचा था अभी केप गोवा आऊंगा और जो जो चीजें बाकी थी देखनी वो सब घूमूंगा दो दिन, बट अभी ये रूम में आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा मन ही नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ कहीं पे घूमने के लिए। इतना प्यारा रूम है ना यार गाइस, सच में एक बार तो एक्सपीरियंस करो यार, ये एक बार तो लाइफ में एक्सपीरियंस करो यार। ये मॉम डैड को भेजो, तुम लोग खुद आओ, कोई न्यूली मैरिड कपल है वो आओ, बहुत सही जगह है यार। और मैंने बहुत सुना है कि केप गोवा से जो सनसेट दिखता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। अभी हम लोग आ रहे थे ना तो हमारा ड्राइवर ने भी बोला वहाँ का सनसेट बिल्कुल भी मिस मत करना, और पिछले वाले होटल के जो मैनेजर थे उन्होंने भी बोला कि सनसेट बिल्कुल मत मिस करना। मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ अभी सनसेट देखने के लिए कि कैसा सनसेट दिखता है यहाँ से। हाँ। दो दिन से तो हम लोग को सनसेट दिखाई नहीं है क्योंकि क्लाउडी था ना वेदर, बट आज बिल्कुल भी बारिश नहीं गिर रही है और सन भी है बहुत ही कड़क, तो हम लोग का सनसेट भी दिखेगा बहुत अच्छा। पूरे सी में छाव है, खाली एक ही जगह पे लाइट दी हुई है, यहाँ से सनलाइट की रेज भी दिख रही है यहाँ से। यहाँ पे तो वॉशरूम में भी इतनी अच्छी लाइट आ रही है, क्या बोलो। और तू अभी संभाल के चलना, जो हमारा रास्ता है रेस्टोरेंट से रूम तक वहाँ पे पूरा सा जंगल जैसा और ओपन है। हमारी जेब्रा को कोई उठा के लेके गया तो। इंडिया में भी जेब्रा होते, जल्दी करो मैडम। नहीं हो रहा यार। हसीना वो नीलम परी, ये पकड़ अभी करने देगी, बाहर नहीं आ रहा है बोल रही हूँ। हो गया ना, खाली फुकट चीड़ रही है। मेरे को चश्मा लेना था। इतना बड़ा टास्क किया अपन ने आधे घंटे का, मालूम है तुझे। तेरे को जो कुछ चाहिए एक ही टाइम पे ले लेना, ठीक है। अभी इसको खोलना बंद करना थोड़ा मुश्किल है। कोई शेर वेर आ गया, देख लिया जेब्रा जा रहा है, मार खाएगा। फिर से वही जगह पे आ गए हम लोग, बट अभी खाना क्या खाने का डिसाइड कर रहे हैं। बहुत बड़ा मेन्यू है। हम लोग पहले नीचे ही बैठे थे, बट नीचे हम लोग 4 सीट पे बैठे थे तो उन्होंने बोला कि रिजर्व्ड है, प्लीज आप जहाँ पे 2 सीट हो गए वहाँ पे बैठ जाओ। हम लोग फिर ऊपर आ गए, ऊपर आ गए तो ये वाला टेबल खाली तो हो गया, बट नीचे अभी लाइव म्यूजिक स्टार्ट हो गया तो अभी वो मिस करे। दुनिया में कोई ना कोई चीज तो मिस होगी यार। यहाँ पे रोज शाम को लाइव म्यूजिक होता है। कल शाम के बाद जो मेरी हालत खराब हुई है, एकदम इतना जुकाम हो गया था कि मैं डायरेक्ट सो ही गया इधर आके, कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। अभी भी मुझे बहुत हैवी लग रहा है, बट आज थोड़ा घूमना पड़ेगा और थोड़े बहुत शूट करने वो भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। इतना सोया मैं कि सीधा 11:30 बजे उठे मैं और नीलम दोनों, तो हम लोग का ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, तो उन लोग ने ब्रेकफास्ट देने से मना कर दिया। तो हम लोग को मना नहीं किया, 7 के बाद 11 के बाद ब्रेकफास्ट नहीं देते हो। तो हम लोग को 11:30 हो गया था, हम लोग ने रिक्वेस्ट किया बहुत बट नहीं मिला, तो हम लोग को वाटरमेलन जूस ही पीना पड़ रहा है अभी, और मुझे भी गोली भी खानी है सर्दी की। उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे, बस ये मेरा सर्दी थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए। मैं उसको कल से समझा रही हूँ, तुझे सिर्फ सर्दी हुई है ऐसा सोच, सिर्फ सर्दी है ऐसा मत सोच, पूरी बदन दुख रहा है, सर दुख रहा है, दुख रहा है मेरा, बैक दुख रहा है मेरा पूरा। बट इधर मत लाओ चीज, दुख रहा है ठीक है, अपन दवा तो ले ही रहे ना 2 दिन से, दुख रहा है, अबे दुख रहा है तो क्या करूँ मैं। बट सर ऐसा मतलब दिमाग में मत लाओ चीज, हो दुख रहा और दुखेगा, समझा। रेस्ट तो ले ही रहे अपन, ठीक है, कल पूरा दिन रेस्ट लिया, आज भी रेस्ट लिया, कुछ नहीं करना है, खाना वाना खा के दवा खा के सोता रहे, ऐसे 4 मंगाने चाहिए थे। अभी हमारा जाकुजी फील हो रहा है और अभी हम लोग ने ना रेस्टोरेंट में फोटोग्राफर्स भी अवेलेबल है, तो उन लोगों ने 1 घंटे पहले बुलाना पड़ता है, तो हम लोग ने वो भी बुला लिया है और अभी हम लोग यहाँ पे लेने वाले बहुत सारे फोटोज। आई एम एक्साइटेड। मेरी सर्दी ठीक करो, करने देना। अरे रुकना, दिस इज हाउ आई टॉर्चर यस। प्रिपरेशन चालू है अभी पूरा बबल्स का, ये शॉवर जेल हम लोग को कम पड़ा तो हम लोग हमारा शॉवर जेल डाल सकते हैं। बस बस खाली भी करना है, 2-3 नहाना भी है। तो अभी मेरी छुट्टी है क्योंकि जो होटल में हम लोग रुके हैं वहाँ पे इन हाउस फोटोग्राफर भी है, तो नीलम के फोटोज वो ही ले रहा है। अच्छी बात है कि हम दोनों के भी फोटोज आ जाएंगे जो कि पूरे ट्रिप में बिल्कुल भी नहीं आए। हम लोग अभी रेडी हो गए, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, लंच भी नहीं किया और 4 बज के गए। अभी लंच करेंगे कुछ और फिर 4:35 को यहाँ पे नीचे बीच है, बीच पे जाएंगे और फोटो शूट करेंगे। और एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि कल हम लोग की फ्लाइट थी 5:30 बजे शाम को, वो अभी पोस्टपोन हो गई और रात को 10:30 बजे की हो गई। तो अभी इतना टाइम करने का क्या वो सोच रहे हम लोग, रिसेप्शन पे देखते अगर स्कूटी अवेलेबल रहेगा तो कल हम लोग जाएंगे कहीं पे तो घूमने के लिए, नहीं तो फिर पता नहीं। तो ये हमारा दिन का लास्ट फोटो शूट यहाँ पे हो रहा है, बहुत ही प्यारा सनसेट है।
ये यहाँ पे ये हमारा रूम है। अबे गोवा में बंदर ये देखो। किधर? वो देख गया ऊपर से चढ़ के। मुझे लगा कैमरा लेके गया। यश की क्या फटी पड़ी है सारे। फटी नहीं पड़ी, मेरे को मेरे शूज की परवाह है। रुक मैं उसको खाना देती हूँ। अबे रुक ना, अंदर रुक। खाना देगी तो आएगा, आते रहेगा। रुक जा, जा तू जा बंदर के साथ जा। हम लोग ने होटल पे बोल दिया था कि हम लोग के लिए एक स्कूटी अरेंज कर दो प्लीज, तो उन्होंने एक स्कूटी अरेंज की है, बट अभी बारिश का मौसम फिर से हम लोग का दगा दे देगा। अभी हम लोग जाएंगे जरूर, बट बारिश गिरने के बहुत चांसेस है। 10 मिनट पहले तो गिर रही थी, अभी बंद हो गई, बट हम लोग अभी निकलेंगे स्कूटी लेके, और बारिश आ गई तो किधर रुक जाएंगे। और बहुत सारे बंदर आए थे हमारे रूम में। अरे हाँ, मैं वॉशरूम में था और नीलम यार जल्दी बाहर आ, जल्दी बाहर आ, बोला अरे क्या हुआ बोल तो सही। फिर मैं फटक से बाहर आया, बोलती अरे बंदर था, बंदर था। फिर बंदर को खाना देने लग गई, और हम लोग के यहाँ पे कपड़े पड़े थे कब से। लेके नहीं जाते क्या कपड़े वो लोग? अरे सब कुछ लेके जाते हैं, फिर खाना खिलाना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, फिर रिटर्न देते उन लोग। सारे बंदर वो इंस्टाग्राम पे दिखाते वैसे नहीं होते, तब अलग होते। छोटे थे बेचारे, दो थे। और फिर से जंगल का रास्ता पार कर रहे हैं हम लोग, संभाल के नीलम। फाइनली स्कूटी की चाबी मिल गई नीलम, बस बारिश। हेलमेट, हेलमेट तो डिक्की के अंदर होता है ना, हम लोग की स्कूटी है। तो मैंने मेरे फोन में गूगल मैप चालू कर लिया है, क्योंकि हम लोग को यहाँ का रास्ते का कोई आइडिया नहीं है। और अभी दिखा रहा है 27 मिनट। कोला बीच जा रहे हैं हम लोग, कोला बीच। बारिश आनी स्टार्ट हो गई यार फिर से आज। मैं बात नहीं कर रही देर से। नीलम पहले से ही बहुत गुस्सा है कि बारिश में क्यों लेके जा रहा है मुझे। अभी जोर की आ गई यार बारिश। अब मैं भी सोच रहा हूँ क्या किया जाए, फिर से जाना है होटल या इधर रुकना है, क्या लगता है तुझे? ये क्या 600 रुपीस तो दे दिया स्कूटी का, मत बोला था मत दे। वैसे यूजुअली स्कूटी का इतना नहीं लेते, यूजुअली स्कूटी का होता है 300-400 मैक्स, पर हम लोग से 600 रुपीस दिया, क्योंकि लिए होटल से हम लोग ने दूसरी जगह से मंगाया ना इसलिए। क्या बैड लग है यार, बाहर जाने ही नहीं मिल रहा, जाने ही नहीं मिल रहा। बहुत जोर की बारिश आ गई, अभी थोड़ा ही रुकी थी 2 मिनट के लिए, तो सोचा भी रिटर्न ही जाते हैं। रिटर्न ही जा रहे हम लोग, नहीं जा रहे आगे। बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया हम लोग ने कि वापस रिटर्न आ गए, क्योंकि इतनी जोर की बारिश आई थी ना कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते। मेरा पूरा जैकेट गीला हो चुका है, और ये वेदर के कारण हमारी फ्लाइट भी डिले हो गई है, जो कि 5:30 शाम को थी, वो फिर 10:30 हुई, और 10:30 से अभी 12:30 की हो गई है। फाइनल अलविदा, हम फिर मिलेंगे गोवा। फिर मिलेंगे, और जरूर मिलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग साउथ गोवा है और बिल्कुल भी नहीं घूम पाए, कहीं नहीं घूमे, कहीं नहीं, सिर्फ बीच के सामने। ऐसा लग रहा फुल स्पॉइल हो गए हम लोग 4 दिन बीच व्यू ले लेके। बट मजा आया गाइस, सच में ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया था। मैं कम से कम 5-6 बार गोवा आया हूँ, बट ऐसे कभी भी गोवा एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने, और ये मेरा सबसे बेस्ट वाला एक्सपीरियंस था सच में बोलो तो। इतना रिलैक्सिंग था ना यार हम लोग के लिए, और बहुत सख्त जरूरत थी इस चीज की। अच्छा खासा रिलैक्सेशन हो गया है, राजस्थान का इतना बड़ा ट्रिप मारने के बाद अभी गोवा में रिलैक्स कर लिया, अभी मुंबई जाके फिर से काम करना है। सो फाइनली गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रूम एंड दिस ब्यूटीफुल व्यू। और ये होटल को भी बहुत मिस करेंगे हम लोग। एक्चुअली ये होटल है ना इतना फेमस है साउथ गोवा में, हम लोग को आइडिया नहीं था एक्चुअली। और यहाँ पे ये होटल के ऊपर है ना एक ऐसा माउंटेन का क्लिफ आता है, और वहाँ पे धूम का शूटिंग हुआ है। हाँ। और टार्जन द वंडर कार का शूटिंग हुआ है, ये भी हम लोग को पता नहीं था। ये होटल सच में इतना प्यारा है ना, अगर आपको स्टे करना है तो जरूर आना यहाँ पे। वैसे जो हम लोग का रूम था वो था ओशन एज स्वीट रूम, ये व्यू खाली यही रूम से मिल सकता है। हाँ, जैसे की एज पे है, एग्जैक्ट नाम दिया है उसको ओशन एज स्वीट रूम। तो आपको ये रूम का डिटेल्स या ये होटल का डिटेल्स अगर जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने सब डिटेल्स दे दिया है, वहाँ से चेकआउट कर लेना आप। ये होटल का नाम है वैसे द केप गोवा, साउथ गोवा आओगे तो जरूर चेक करना। अगर आप स्टे भी करने नहीं आए तो भी यहाँ पे डाइनिंग कैफे है, वहाँ पे आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ भी कर सकते हो। और अभी हमारे कैब का टाइम हो गया है, 15 मिनट में हमारी कैब आ जाएगी, और हमारी फ्लाइट तो डिले हो गई है, तो हम लोग एयरपोर्ट पे थोड़ा टाइम पास कर लेंगे, बस अभी निकल जाएंगे और ये वीडियो भी यहीं पे एंड कर देंगे। सॉरी गाइस फिर से कि हम लोग कुछ ज्यादा साउथ गोवा आपको दिखा नहीं पाए, क्योंकि जब जब बाहर जा रहे थे आप लोग ने देखा कि बारिश गिर रही थी। हम लोग ने तो भी ट्राई किया बट पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट टाइम गोवा आएगी तो जरूर बताएगी आपको, सब कुछ एक्सप्लोर करेगी अच्छे से। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। ये व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो को लाइक कर दो, खूब सारे कमेंट कर दो। Bye guys. Bye.